एक और क्वेरी है, वो भी समीर की ही है, और लेकिन ये गुरदासपुर से हमारे साथ हैं। समीर, गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन पूछिए अपना। मैं पहले आईसीआईसी बैंक के मैम 500 शेयर बाय करे 250 के रेट पे, मैम मैं 5-6 मंथ के लिए होल्ड कर सकता हूँ? ये कब खरीदे हैं आपने समीर शेयर्स? मैम मेरे को कोई 5-6 मंथ हो गए थे खरीदे हुए, और एक पीएनबी बैंक पर, पंजाब नेशनल बैंक पर भी लिया मैम एक मनी। पंजाब नेशनल बैंक में परचेजिंग प्राइस क्या है? मैम उसका परचेजिंग प्राइस 143 है मैम। 143 500 शेयर बाय करें मैम, लॉन्ग टर्म के लिए 5-6 मंथ के लिए होल्ड कर सकता हूँ मैम। ठीक है, और आईसीआईसी बैंक के इनफैक्ट आज नंबर्स भी आने हैं, हालांकि देखना होगा कि एसेट क्वालिटी फ्रंट पर, इंटरेस्ट मार्जिन फ्रंट पर नंबर्स कैसे कम बैंक पोस्ट करता है। बहुत होप्स हाई नहीं है, लेकिन स्टॉक आज भले ही 3-3.5% नीचे ट्रेड कर रहा हो, लेकिन बीते 3-4 सत्रों में लगातार चला है। आशीष, आपके कमेंट्स क्या है आईसीआईसीआई बैंक पर? यहाँ पर परचेजिंग प्राइस 250 का है, अभी थोड़े से मुनाफे में ये है, और दूसरा पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पर इनका एंट्री लेवल 143 के लेवल्स पर है। 6-8 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से क्या स्ट्रेटेजी आप इनको रेकमेंड करेंगे? आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करते हैं तो इसमें एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, हालांकि ब्रेकआउट नहीं मिला है। ब्रेकआउट जो मिलेगा 275 के ऊपर हमें मिल सकता है। आज नंबर्स आने के बाद इस स्टॉक का रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। ये एक रेंज है 275 ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ अगर मैं देखता हूँ तो इसका नीचे का लेवल है 260 का। इन दोनों के टाइट रेंज में यह स्टॉक पिछले कई ट्रेडिंग सेशन में घूम रहा है, तो होल्ड करने की सलाह होगी विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 259। 275 के ऊपर अगर यह स्टॉक चलता है तो 304-306 के लेवल इस स्टॉक में दिखाई देंगे। दूसरा जो स्टॉक ये बता रहे थे तब थोड़ा डिस्टर्बेंस था, इसलिए मुझे नाम समझ में नहीं आया, कैन यू रिपीट द नेम प्लीज? पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो एक बहुत बड़ा रैली 71-72 से लेकर करीबन 137-138 ऑड लेवल्स तक ये स्टॉक चला है। उसके बाद एक करेक्शन आया, लेकिन ये करेक्शन जो है स्टॉक के लिए अच्छा है। मैं मानता हूं कि इनको ये स्टॉक होल्ड करके रखना चाहिए 139 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर, अगर ये स्टॉक मिलता है तो और एडिशन करें। अभी फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस जो मैं रिकमेंड करूंगा थोड़ा डीप डाउन होगा, 123 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 139 के ऊपर और एडिशन कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 155।